मुंबई में भक्तों का सैलाब, खचाखच भरे सड़क और मैदान, माया नगरी में बाबा का मेगा शो। तस्वीरों में दिख रहा सैलाब बता रहा है कि कभी ना रुकने वाली मुंबई पर भी मानो ब्रेक लग गया हो। धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार में किसकी पर्ची लग जाए, इस उम्मीद में लाखों की भीड़ मीरा रोड कूच कर चुकी है। सुबह की तस्वीरें अगर दिखाऊं तो कल जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर जो है करीब 1,00,000 लोग यहाँ पर मौजूद थे और बहुत दिव्य कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन आज सुबह की तस्वीरें अभी मैं बहुत पहले इधर मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग रातों पर यहीं रात को यहीं पर रुक गए थे और देखिए कि उनके यहीं पर भी वो बैठे हुए हैं और आज जो दूसरे दिन का कार्यक्रम होने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भक्तों के बीच बाबा की दीवानगी का आलम यह है कि जिस जगह धीरेंद्र शास्त्री ठहरे हुए हैं वहां भी होटल के बाहर भक्तों की लंबी कतार लग गई है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री का आज मुंबई में दूसरा दिन है उनके कार्यक्रम का और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर तो भीड़ है ही, आज दूसरे दिन उस जगह पर भीड़ इकट्ठा हो गई है जहां पर रुके हुए हैं। जी हां, ये मीरा रोड का ये महेश्वरी भवन है और आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से गेट के बाहर उनके भक्तों का तांता लग गया है। मुंबई में बाबा के लिए भक्तों की ये भीड़ इसलिए भी खास है क्योंकि महाराष्ट्र से ही सबसे पहले धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारों को चुनौती मिली थी। तब आरोप लगा था कि चुनौती से डरकर धीरेंद्र नागपुर का कार्यक्रम आधे में छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन मुंबई में बाबा के दिव्य दरबार में लगी भीड़ ने बाबा की लोकप्रियता की गवाही दे दी है। क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजें तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं। साथ ही मुंबई में भी धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार जारी है जिसकी उन्होंने मंच से व्याख्या भी कर दी। अच्छा, कुछ लोग ये बैनर का क्या लिए, जरा पढ़वाइए, ये क्या लिए, क्या लिखा है, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, बा बा, हाँ 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 होना चाहिए, अरे बा बा बा, अरे बहुत लोग लेकर आए ये। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धीरेंद्र शास्त्री का विरोध किया तो आज उद्धव गुट के संजय राउत बागेश्वर धाम पर बोलने से बचते नजर आए। महाराष्ट्र में नहीं, देश में आजकल बाबा महाराज ऐसे बहुत से कार्यक्रम हो रहे, कुछ लोग उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता। आप आइए और चले जाइए, जिनको जाना है जो अंधभक्त है वो जाएंगे। दिव्य दरबार में भीड़ इस कदर है कि चोर भी हाथ साफ करने में जुटे हैं। तस्वीर कल की है जब कथा खत्म होने के बाद कई महिलाएं पुलिस स्टेशन पहुंची। इन महिलाओं का दावा है कि कार्यक्रम के दौरान 4,87,000 रुपए के गहने चोरी हो गए।